हेलो एवरीवन, मैं तरुण जग्गा स्वागत करता हूं आप सभी का परीक्षा गुरु मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बहुत छोटी सी वीडियो में 20 एसएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं, कुछ ट्रिकी होने वाला है सभी क्वेश्चंस में, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन अपीयर कर रहा है आपकी स्क्रीन पर इस तरफ, देखिएगा क्या कहना जा रहा है। वो कह रहा है कि 5 लड़कियां एक मेज पर छायाचित्र खिंचवाने के लिए बैठी हैं। 5 लड़कियां हैं मेज पर बैठी हैं फोटो खिंचवाने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा वैसे, लेकिन जो ट्रिकी है उस पर अभी हम बात करने वाले हैं। सीमा रानी के दाईं ओर तथा बिंदु के बाईं ओर है। सीमा है, एक लड़की है सीमा, वो रानी के दाईं ओर बैठी है। रानी के दाईं ओर, आपका लेफ्ट इनका लेफ्ट होगा, आपका राइट इनका राइट होगा। सीमा दाईं ओर है रानी के, ठीक है। और उसने कहा है बिंदु के बाईं ओर है सीमा ही, तथा कहा है बिंदु के बाईं ओर है। यहां आ गई है बिंदु, ठीक है, बिंदु के लेफ्ट में और रानी के राइट में है, ये उसने कहा है। मैरी रानी के लेफ्ट में है, तो रानी के लेफ्ट में कौन है? मैरी है, ठीक। और लास्ट उसने क्या कहा है? रीटा रानी और मैरी के मध्य में है। रानी और मैरी के मध्य में कौन है? रीटा। तो इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं मैरी और यहां आ जाएगा रीटा। ये आ गई भाई 5 लड़कियां। अब वो आपसे पूछेगा, क्या पूछ रहा है देखो जरा, पहला क्वेश्चन अपीयर कर ही रहा है यहां पर। छाया चित्र में दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन होगी? आप आंसर लगाएंगे सीमा और गलत हो जाएगा। समझो जरा क्यों गलत हो जाएगा। आप जब फोटो खींचेगा, फोटो खींचने की स्थिति है, छाया चित्र की बात कर रहा है वो। ये लोग तो ऐसे बैठे हुए हैं, इधर फेस कर बैठे हुए हैं ना, तो छाया चित्र यहां से खींच रहा होगा, इस साइड से खींच रहा होगा, तो ये वाला पर्सन बिल्कुल लेफ्ट में आएगा। इमेजिन कीजिए जरा, आप खुद को सोचिए कि आप फोटो खींच रहे हैं किसी की, एक बार खुद की फोटो खिंचवाते हुए फील कीजिए कि हाँ फोटो खिंचवा रहे हैं लाइन में बैठकर, आप सबसे लेफ्ट में बैठे हैं। तो जब फोटो खींचेगी आपकी सामने से, तो आप उस फोटो में कहां होंगे? सबसे राइट में हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी फोटोग्राफी वाली बात आएगी, फोटो की बात आएगी, तो लेफ्ट और राइट आपस में इंटरचेंज होगा, लास्ट में जाकर लेफ्ट और राइट इंटरचेंज होगा, बिल्कुल लास्ट में जाकर। जैसे अब उसने पूछा है दाईं ओर से दूसरा, तो हम बाएं से देखेंगे, ये होगी रीटा, रीटा आंसर होगा, ना कि सीमा, गलती कर जाएंगे इसमें। छाया चित्र में बाईं ओर से दूसरे स्थान पर होगी सीमा, ठीक है, दाएं से दूसरे पर दिख रही है, लेकिन छाया चित्र में पूछ रहा है वो, एक्चुअल में नहीं पूछ रहा है। तो छाया चित्र में ये लेफ्ट हो जाएगा हिस्सा, ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हिस्सा हो जाएगा राइट। ये होता है छाया चित्र वाली स्थिति में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए थे एसएससी के। नेक्स्ट देखिए, पढ़िए जरा वो क्या कह रहा है कि एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है, ऊपर की साइड से स्थिति दे रखी है। क्वेश्चन अपीयर कर रहा है आपकी स्क्रीन पर इस साइड में, शैलेश की स्थिति ऊपर की ओर से दे रखी है। जो लोग सॉल्व कर सकते हैं तेजी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए फटाफट उसका। शैलेश ऊपर से 7वां और अनुपम नीचे से 18वां है। मैंने कराया है ऑर्डर एंड रैंकिंग, उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया इस कॉन्सेप्ट को। शैलेश ऊपर से 7वां है, तो 6 लोग होंगे तभी तो ये 7वां होगा। और एक और पर्सन दे रखा है अनुपम, अनुपम है 18वां लेकिन नीचे से, यानी कि 17 लोग इसके नीचे हैं। अब वो कह रहा है सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है। सुरेश, इसको मैं थोड़ा और इधर बना लेता हूं ताकि थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए, आसान सा क्वेश्चन है। अनुपम का हो गया 18 और ये हो गया 17। यहां पर सुरेश अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है। सुरेश कैसे हो जाएगा भाई? यहां 19 और ये हो जाएगा 20, 18 पर था, 19 और 20 2 श्रेणी ऊपर हो गया है। और शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, यानी कि यहां से 15 नंबर नीचे की तरफ जाएगा। तो 7 पर ये था, 7 से 15 नंबर नीचे, तो 14 लोग यहां पर आएंगे तभी तो 15 नंबर नीचे आएगा। ये 7 से 15 श्रेणी नीचे की ओर, तो 14 लोग आ गए यहां पर। पता लग गया मुझे कि भाई ये 15वें नंबर पर है इसके नीचे। वो पूछ रहा है कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, गिनो जरा फटाफट। 6 और 14 20 और एक ये रहा 21, 21 और 17 38, 39, 40, 41,
टोटल 41 छात्र हैं कक्षा में, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। वही फोटोग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया सीधा सीधा कि आप हैं अब फोटोग्राफर और आपकी तरफ मुख कर 5 लोग एक पंक्ति में बैठे हैं, तो लोग बना रहा हूं मैं केवल, वाई एक्स के लेफ्ट में है, वाई लेफ्ट में है एक्स के, ठीक है, डब्ल्यू जेड के दाईं ओर बैठा है। अब ना तो डब्ल्यू है यहां ना जेड है, लेकिन इतना बताया कि यहां डब्ल्यू जेड के दाईं ओर बैठा हुआ है, राइट साइड में बैठा हुआ है। आगे उसने कहा है कि वी एक्स के दाएं है, एक्स के दाईं ओर कौन बैठा है, वी बैठा हुआ है, और डब्ल्यू वाई के लेफ्ट में है, वाई के लेफ्ट में कौन है, डब्ल्यू, और डब्ल्यू के लेफ्ट में कौन था, जेड। ये सीक्वेंस आ गया 5 लोगों का, लेकिन ये कहां फेस करके बैठे हैं, आपकी ओर, फेस तो इनका ऊपर है, नीचे क्यों नहीं है भाई फेस, अब ये बताओ जरा फटाफट, देखो समझो क्यों नहीं है नीचे फेस, नीचे फेस अगर होता तो ये राइट थोड़ी होता, मैंने इसको इधर राइट माना है इधर लेफ्ट माना है, वो ऐसे ही तो माना है कि इनका फेस उत्तर दिशा में है। इस वीडियो को अटेम्प्ट करने से पहले, देखने से पहले सारे लॉजिक और बेसिक्स क्लियर होने चाहिए कि हाँ कैसे लेफ्ट और राइट हम लेते हैं। उसके लिए मैं हर टॉपिक जो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन, सबकी वीडियोस बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा, तो पहले वीडियो देखना फिर ये पेपर सॉल्व करेंगे हम। यहां पर आप बैठे हैं, यहां पर खुद यहां हो गया मी, कोई भी पर्सन है वो इधर फेस कर कर बैठा होगा, है ना। अब वो पूछ रहा है कि यदि जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है तो बीच में कौन बैठा है, बीच में बैठा है वाई, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब वो अगर आपसे पूछता कि आपकी ओर से दाएं छोर पर कौन है, तो दाएं छोर पर वी नहीं है, आपकी ओर से पूछ रहा है तो आपकी ओर से दाया आपका इधर होगा, ठीक है, राइट साइड इधर होगी और इधर होगी आपकी लेफ्ट साइड, तो आपकी ओर से दाएं छोर पर कौन हो जाएगा, जेड हो जाएगा, आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखो जरा, 30 बच्चों की एक कक्षा में सरन शीर्ष से 9वीं रैंक पर है और मनीष सरन से 5 रैंक नीचे है। ये क्वेश्चन करा चुका हूं भाई मैं, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन एक कराया मैंने, टाइप 1 ऑर्डर एंड रैंकिंग की पहली वीडियो जाकर देखिएगा, उसमें डिस्कस किया गया है। 30 बच्चों की क्लास है, सरन शीर्ष से 9वें नंबर पर है, शीर्ष से चल रहा है, सरन 9 नंबर पर है, यानी कि 8 बच्चे यहां पर हैं और 9वां है ये खुद। उसने कहा है कि मनीष सरन से 5 रैंक नीचे है, तो 4 बच्चे आएंगे और मनीष आ जाएगा यहां पर, 9 के बाद 4, 1, 2, 3, 4 और 5वां नंबर ये आ गया यहां पर। इसकी रैंक पूछी है, बॉटम से मनीष की क्या रैंक है, टोटल कितने स्टूडेंट है भाई, टोटल है हमारे पास 30 विद्यार्थियों की कक्षा है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 यहां तक आ गए हैं, 14, तो नीचे कितने बचे, 16, 30 थे ना टोटल, यहां से गिनने शुरू करें मैंने, यहां तक 9, 9 और 5, 14 कितने बाकी बच गए, 16, तो अगर बॉटम से मैं इसे गिनूं तो क्या रैंक होगी, 17th रैंक होगी, 16 के बाद आएगा ये, 17वीं रैंक पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं फटाफट, एक दे रखा है सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का, कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं, वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं, यानी कि केंद्र की ओर मुख कर एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट मैं पजल में डिस्कस कर चुका हूं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का। देखो जरा क्या है, केंद्र की ओर मुख कर 8 व्यक्तियों के बैठने की स्थिति ये होती है, अभी हमने डिस्कस किया है वीडियोज में, ठीक है। डी एम के दाई ओर दूसरा है, एम के दाई ओर, जब इसका फेस अंदर है तो दाई ओर होगा इधर, आप खुद को मानो यहां बैठा हुआ, आपका राइट इधर होगा, दाई ओर लेफ्ट इधर होगा, है ना। तो एम के दाई ओर कौन है, डी, डी एम के दाई ओर है जो टी के बाएं में 5वां है, जो कहा है उसने, देखो अब इसका मतलब भी समझ लो, डी एम के दाएं है जो टी के, और कुछ स्टेटमेंट दे रखा है, तो भाई जब यहां पर जो या जो की लगा होगा, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूं लेकिन रिपीट कर देता हूं इस बात को, जब जो या जो की लगा होगा तो जो जानकारी दूसरे स्टेटमेंट में दी होगी ये जानकारी ये होगी सेकंड पर्सन के लिए, अगर यहां तथा लगा हुआ होता तो ये जानकारी हो जाती फर्स्ट पर्सन के लिए। तो अब ये जो जानकारी है यानी कि टी के बाएं और 5वां है, तो कौन है, एम है, T
टी के लेफ्ट में, एम टी के लेफ्ट में है, तो टी एम के राइट में होगा पांचवा। एक दो राइट में चल रहे हैं भाई, एक दो तीन चार पांच, ये आ गया पांचवा पर्सन यहां पर राइट साइड में टी। फेस सबका अंदर की तरफ ही है। के आर के दाएं तीसरा है, जो डी के दाएं दूसरा है। अब देखो ना के है ना आर है, लेकिन हां डी है। उसने कहा है कि के आर के दाईं ओर तीसरे नंबर पर है, आर के राइट में तीसरे नंबर पर के है, जो डी के दाएं दूसरा है। फिर से जो आ रहा है, तो आर डी के दाईं ओर एक दो दूसरे नंबर पर है, आर यहां पर डी के दाईं ओर दूसरे नंबर पर, और आर के राइट में तीसरे नंबर पर कौन है, के। आर का राइट इधर चलेगा, एक दो तीसरे नंबर पर आ गया है के यहां पर। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, वो एच डब्ल्यू के दाईं ओर दूसरा है। तो देखो जरा, ना एच है ना डब्ल्यू है, लेकिन इतना पता है कि एच डब्ल्यू के राइट साइड में दूसरा है, दाईं ओर दूसरा। तो ये ऐसे ही तो होंगे, डब्ल्यू फिर एक पर्सन फिर एच। तो देखो जरा कहां, अगर यहां डब्ल्यू है तो क्या एक पर्सन के बाद एच आ सकता है, यहां डब्ल्यू है तो क्या एक पर्सन के बाद एच आएगा, नहीं आएगा। यहां डब्ल्यू है तो क्या एक पर्सन के बाद एच आएगा, दाईं ओर चल रहे हैं, ये रहा दाईं ओर, डब्ल्यू यहां नहीं आ सकता क्योंकि डब्ल्यू के दाईं ओर दूसरा पर्सन एच नहीं है। डब्ल्यू यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि इसके दाईं ओर दूसरा पर्सन एच नहीं है। डब्ल्यू यहीं आएगा केवल कि इसके दाईं ओर दूसरा पर्सन एच हो जाए, एक दो। एक पर्सन बचा है ए, वो आ जाएगा यहां पर। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट बन गया, और क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट। ए के दाईं ओर कौन है, ए के दाईं ओर कौन है, एम, आंसर हो गया ये। नेक्स्ट देखो जरा, क्वेश्चन अपीयर कर रहा है स्क्रीन पर, एम के लेफ्ट में तीसरा, एम के लेफ्ट में तीसरा, टी आंसर हो गया है यहां पर। एच के राइट में चौथा, एच के राइट में एक दो तीन चार, चौथा एम आंसर हो गया है इसका। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में मौजूद नहीं है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, निम्न में से किस संयोजन में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के बीच में बैठा है। देखो ये संयोजन लिखा है के एम और डब्ल्यू, पहला व्यक्ति बीच में होना चाहिए एम और डब्ल्यू के। देखो एम और डब्ल्यू के बीच में कौन है, डी है, गलत लिखा हुआ। ठीक है, ऑप्शंस देखो और कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका आंसर दो जल्दी से, जब तक मैं इसको मिटा रहा हूं तब तक आंसर आ जाना चाहिए कि किस ऑप्शन में पहला पर्सन बाकी दोनों के बीच में बैठा हुआ है। फटाफट आंसर दीजिए जरा डिस्क्रिप्शन में जल्दी से। एक और क्वेश्चन अपीयर हो रहा है, इसका आंसर भी डिस्क्रिप्शन में दीजिएगा जल्दी से आप। उसने कहा है कि ए और डब्ल्यू अपना स्थान बदल लें तो आर के लेफ्ट में तीसरा कौन हो जाएगा। फटाफट आंसर दीजिएगा इन दोनों क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में। ठीक, वीडियो खत्म होने के बाद इसकी शीट को मैं टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, वहां से आप देखकर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बाद में अगर करना चाहें तो। ठीक है, दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिए जल्दी से, और मूव कर रहे हैं हम अगले क्वेश्चन पर, जिसके इंस्ट्रक्शंस आपको अब अपीयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर। 14 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 16 प्लस 8। ठीक, इसमें वो कह रहा है कि माइनस का अर्थ है गुणा, देख पा रहे हैं आप, तो माइनस की जगह लिखना है गुणा, मल्टीप्लाई। आगे उसने कहा है डिवाइड का अर्थ, देखो डिवाइड का अर्थ क्या है, डिवाइड का अर्थ है माइनस, देख पा रहे होंगे आप लिखा हुआ। मल्टीप्लाई का अर्थ देखो क्या है, मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस, और प्लस का अर्थ देखो क्या है, प्लस का अर्थ है डिवाइड। कैसे सॉल्व करते हैं, 14 इंटू 10 माइनस 4 प्लस 16 अपॉन 8, ये हो गया 2, 140 में से 4 घटाओ और 2 जोड़ दो, 138, 138 आंसर आपका हो जाएगा। मैथमेटिकल एबिलिटीज का क्वेश्चन है, या मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन कह सकते हैं ये क्वेश्चन है। ठीक है, 138 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, अपीयर कर रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखिए फटाफट कैसे सॉल्व करना है इसको। ये दे रखा है 18s 36r 12q 6p7। इसमें देखो मीनिंग रखना है, केवल केवल s की जगह क्या रख दो, फटाफट रखो जरा, देखो क्या कह रहा है। उसने कहा है s को गुणा से व्यक्त कर रहे हैं, s की जगह लगा दिया हमने गुणा, r को किससे व्यक्त कर रहे हैं, r को भाग से व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि डिवाइड हो गया है।
क्यू को किससे व्यक्त किया जा रहा है, क्यू को माइनस से व्यक्त किया जा रहा है और पी को प्लस से व्यक्त किया जा रहा है। सॉल्व कर देंगे फटाफट, 18 × 36 डिवाइड बाई 12 माइनस 6 प्लस 7 से। पहले डिवाइड करते हैं 3, फिर 18 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 माइनस प्लस 1, 7 में से 6 गया 1, आंसर आ गया आपका 55। इसी तरह से तेजी से क्वेश्चन करने हैं सारे के सारे सॉल्व पेपर में, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कीजिए फटाफट, आगे देखो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। ये कह रहा है वो कि पी ए बी सी डी का मतलब दे रखा है आपको यहां पर सारा का सारा। उसने कहा है 100 का 5PB 53A4 और D9 दे रखा है, ठीक है, केवल मीनिंग लिखने हैं यहां पर, इसकी वैल्यू बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक। देखो पढ़ो जरा और रिप्लेस कर दो फटाफट, 100 का की जगह क्या आता भाई, मल्टीप्लाई का साइन आता है, ये भी ध्यान रखना। अभी फिलहाल मैं ऐसे ही लिख देता हूं, 100 का केवल रिप्लेस कर रहे हैं पी, पी की जगह क्या है 5%, बी की जगह क्या है प्लस, तो 100 का 5% हो गया, बी मतलब प्लस 53, ए का क्या मतलब है माइनस 4, ये आया भाई इतना। डी की जगह क्या रख देना है डिवाइडेड बाई 9। पहले परसेंटेज को सॉल्व करते हैं हम, तो परसेंटेज निकाल लेते हैं 100 का 5%। अब 100 के रेस्पेक्ट में जब भी आपको निकालना हो तो ये वैल्यू खुद होगी जितने परसेंट निकालना है। परसेंटेज निकालने में कोई कंफ्यूजन हो तो मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट के आई बटन से आप परसेंटेज वाली वीडियो पर सीधा जा सकते हैं। देखिएगा जरा क्या है, 5 आ गया आंसर, 100 का 5% 5 प्लस 49 कर लीजिए चाहे तो इसे डायरेक्ट, मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, सिंपल 53 माइनस 4 49 और फिर इसको डिवाइड करना है 9 से, 54 डिवाइडेड बाई 9 6 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखिए फटाफट क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन है, अर्थ दे रखा है उसने, देखो जल्दी से क्या है सॉल्यूशन दो कमेंट सेक्शन में जल्दी से। ये दो क्वेश्चन अगले आपको करने हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इस क्वेश्चन का और कीजिए जल्दी से, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, तब तक मैं अगले क्वेश्चन पर अपीयर कर रहा हूं। कमेंट सेक्शन में इसको सॉल्व कीजिए, आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपीयर कर रहा है आपकी स्क्रीन पर, यहां पर इसको भी सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए जल्दी से। इनकेस नहीं हो पाता है तो कमेंट्स में लिखिएगा कि नहीं हो पा रहा है, मैं इसको टेलीग्राम पर डिस्कस करूंगा। ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं फटाफट, जल्दी से कीजिए, तब तक मैं इससे अगला क्वेश्चन बनाने जा रहा हूं। 25, 4, 22, 3, 8, 17 और 30, उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे आपने, फटाफट कीजिए जल्दी से नहीं किए तो। अगले क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं और इंस्ट्रक्शन दे रखी है अगले क्वेश्चन की यहां पर, और ये दे रखा है एक डायग्राम बना दिया है मैंने, उसको इंस्ट्रक्शन को पढ़ लो केवल। क्या कह रहा है, त्रिभुज डॉक्टर, ये है भाई डॉक्टर, शॉर्ट में लिख लेते हैं यहां पर, वृत्त खिलाड़ी, ये दे रखे हैं खिलाड़ी, वृत्त हो गए खिलाड़ी, ये खिलाड़ी दे रखे हैं यहां पर, और लास्ट में रेक्टेंगल वर्ग या आयत को कह रहा है कलाकार, ये है कलाकार। तो आपको ये बताना है अब इसमें देखकर कितने कलाकार खिलाड़ी भी हैं, तो कितने कलाकार यानी कि इनमें से ही कोई होगा ना, कितने कलाकार इन चारों में से कोई हो सकता है, खिलाड़ी भी हैं तो 22 और 3 इस सर्कल में भी है, यानी कि कलाकार में कौन कौन है, ये चार लोग, और उनमें से सर्कल में भी कौन कौन है 22 और 3, तो ऑप्शंस दे रखे हैं 22 और 3, 25 आंसर हो जाए। नेक्स्ट देखो, कितने कलाकार ऐसे हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही डॉक्टर। अब देखो फिर से कलाकार ये चारों ही हैं, ये खिलाड़ी है, ये भी खिलाड़ी है, ये डॉक्टर है, ना तो खिलाड़ी होने चाहिए ना ही डॉक्टर, 30 आंसर हो जाएगा इसका। कितने डॉक्टर कलाकार भी हैं और खिलाड़ी भी, यानी कि तीनों में जो कॉमन है, डॉक्टर में भी कलाकार में भी और खिलाड़ी में भी, 3 आंसर हो जाएगा इसका। कितने डॉक्टर ना तो खिलाड़ी हैं और ना कलाकार, यानी कि कितने डॉक्टर, तो देखो डॉक्टर ये है ना भाई चार, इनमें से कौन ऐसा है जो ना तो खिलाड़ी में है, देखो ये दोनों तो खिलाड़ी में आ गए, खिलाड़ी के अंदर आ गए, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, और ना ही कलाकार है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो ना तो खिलाड़ी हैं ना ही कलाकार हैं, 17
लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना तो कलाकार हैं और ना ही डॉक्टर? तो कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना तो कलाकार हैं, ये दोनों अट गया, और ना ही डॉक्टर हैं, 25 रह गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर प्रैक्टिस करेंगे मेरी कराई हुई वीडियोस से, तो मैंने बहुत बेसिक से इसको डिस्कस किया है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ कर पाएंगे, लेकिन हाँ एटलीस्ट तेजी से कर पाएंगे जो भी आप कर पाएंगे उन वीडियोस को देखकर। बाकी एडवांस लेवल की वीडियोस लेकर हम डेली आपके लिए आ ही रहे हैं, उसके अलावा आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस और क्वेश्चंस लेकर हम लोग आपके लिए आने वाले हैं। इसकी एक शीट मैं टेलीग्राम चैनल पर डालने वाला हूं थोड़ी देर में ही अब से, तो इस टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं कर रखा है। उस पर हम सारे इंपॉर्टेंट नोट्स और क्वेश्चन शेयर करते हैं। परीक्षा गुरु के साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।